तहसील थाना क्षेत्र के मोमिनपुरा अंसार नगर में दो दुकानों में गोमांस की बिक्री होने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर 90 किलो मांस जब्त किया है, जबकि दो आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया, दोनों को ही गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी विनोद पाटिल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि मोमिनपुरा अंसार नगर के कब्रिस्तान रोड पर दो दुकानों में गोमांस बेचा जा रहा है। कुछ ही देर में दलबल के साथ उन्होंने दुकान पर छापेमारी की। पुलिस ने दोनों दुकानों की तलाशी ली। इस दौरान वहां से 90 किलो मांस जब्त किया गया। साथ ही दोनों ही दुकानदारों शकील कुरैशी और परवेज कुरैशी पर पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोनों को ही हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच जारी है। काल डीबीला गुप्त माहिती मिळाली की कब्रिस्तान रोडला एका ठिकाणी गोमांस विक्री होते आहे। या माहितीवरून आमची क्राइम टीम आहे, तसेच डीबी टीम NBCN News के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।